बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और दबंग हीरो सलमान खान न सिर्फ अपनी फिल्म करियर के हवाले से पूरे बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बल्कि अपने लव स्टोरी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सलमान खान कैटरीना कैफ की लव स्टोरी से कौन वाकिफ नहीं है। कैटरीना कैफ आज भी शादीशुदा होने के बावजूद सलमान खान की तरफ झुकती हुई नज़र आ रही हैं। कैटरीना कैफ ने सलमान खान को शादी की ऑफ़र भी की है, लेकिन सलमान खान का कहना है कि अगर उन्होंने शादी करनी होती तो वो बहुत पहले कर चुके होते। कैटरीना कैफ ने विकी कौशल के साथ शादी की है, मगर वो आज भी खुश नहीं है क्योंकि वो सलमान खान को बहुत पसंद करती है। यही वजह है कि सलमान खान अपने फिल्मी कैरियर के हवाले से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। सलमान खान का कहना है कि उन्होंने शादी कर ली है और उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में अपने काम के साथ शादी की है, इसलिए अब उन्हें एक शादी की ज़रूरत नहीं है। जबकि कैटरीना कैफ का कहना है कि सलमान खान को आज भी पसंद करती हैं, उनको दिल जान से बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं। यही वजह है कि अपनी खुशहाल ज़िंदगी होने के बावजूद भी कैटरीना कैफ आज भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। सलमान खान पूजा हेगड़े के साथ फिल्म में काम कर चुके हैं, लेकिन पूजा हेगड़े भी सलमान खान को बहुत पसंद करती हैं और सलमान खान के साथ शादी करने का इरादा रखती हैं। सलमान खान का भी इरादा है कि वो अपने आने वाले वक्त में पूजा हेगड़े के साथ ही शादी करेंगे, क्योंकि सलमान खान और पूजा हेगड़े ने एक साथ फिल्म में काम किया है और पूजा हेगड़े ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाकर सलमान खान का दिल जीत लिया है। यही वजह है कि अब सलमान खान पूजा हेगड़े के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और उनके साथ शादी करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या सलमान खान को पूजा हेगड़े के साथ अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सलमान खान 57 साल के हो चुके हैं और अब उनकी उम्र बहुत तेज़ी से ढलती हुई दिखाई दे रही है, या फिर उनको कैटरीना कैफ के साथ शादी करनी चाहिए। इस हवाले से आपकी क्या राय है, अधूरे का सेक्शन में ज़रूर करें। मिलते हैं।